मंजिल को प्राप्त कर लें, उसके लिए आश बाबा कह रहे हैं कि कौन सा बल चाहिए, कौन सा बल चाहिए, आशीर्वाद का बल। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद बाबा कहते हैं आपको आप बहुत बहुत आगे बढ़ा देगी। तो अनेकों की आशीर्वाद कैसे मिलेगी हमको? ज्ञान सागर शिव बाबा जो हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं, बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्न तुम औरों के साथ बांटो, औरों को दो। और उसमें भी विशेष आशीर्वाद का बल किन ब्राह्मणों को मिलता है जो सेंटर खोलने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के सेंटर्स ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य आकर के पढ़ते भी हैं और हॉस्पिटल है तो निरोगी भी बनते हैं, ज्ञान और योग का इंजेक्शन वो भी उनको यहाँ पर लगता है। जन्म जन्मांतर के लिए माया की बीमारी से वो मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो जो ये सेंटर खोलते हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलती है। जितनी आत्माएं यहाँ आती हैं, जितनों को लाभ मिलता है, उस एक एक आत्मा की आशीर्वाद इस आत्मा को मिलती है जिसने सेंटर खोला। तो आज बाबा हमको ये युक्ति बता रहे हैं कि मीठे बच्चे अगर धन है तो सेंटर खोल दो, अन्यथा धन तो वैसे भी विनाश हो जाने हैं, किसी काम नहीं आने हैं, इकट्ठा करके क्या करेंगे। जीवन निर्वाह के लिए जो रोज के हमारे खर्चे हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, भविष्य के आई वेल के लिए भी बाबा कहते हैं भले रखो, पोतों के पास उसके अलावा भी होता है एक्स्ट्रा, तो बाबा कहते हैं उसको सेवा में लगा दो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। एक आत्मा ने सेंटर खोला और उस सेंटर पर आ करके सौ हजारों आत्माओं ने अपने जीवन को परिवर्तित किया, तो उस एक आत्मा के ऊपर कितनी अनेक आत्माओं की आशीर्वाद आ गई। वो एक दो की नहीं आई, बहुत सारी आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। और वो जो सौ में हजारों में सेंटर्स पर आएंगे उनका फिर आगे कितनी आत्माओं के साथ संपर्क रहता है। तो ये आत्मा बहुत पुण्य की भागी बन जाती है। शंख ध्वनि करो, प्रजा बनाओ, प्रजा तैयार करोगे तभी महाराजा और महारानी बनोगे।